सफला एकादशी है, हम सभी इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है, उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे, उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र का ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया
और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है।